सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फैक्ट विद अमित पाठक में। यूपी की 10 बड़ी खबरें बेहद जरूरी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। सीएम योगी का बड़ा ऐलान है, इनका क्या निर्देश है इसके बारे में जानेंगे। कई सारी सुविधा आपको इसी दिवाली में मिलने वाली है जो बेहद इंपॉर्टेंट है। बड़ी खुशखबरी है, केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, दिवाली से पहले सस्ता हो जाएगा गैस सिलेंडर, आपको भी इसका फायदा मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही 10 बड़ी खबरें जो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसे जान लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में डेंगू का दंश है। केंद्र सरकार ने भेजे हेल्थ एक्सपर्ट। उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में डेंगू तेजी से पैर पसार रहा है। दिल्ली केंद्र ने डेंगू से निपटने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट की उच्च स्तरीय टीम उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा, इटावा में रवाना की है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, आगरा और इटावा में डेंगू के हालात खराब हो गए हैं, केस में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 6 सदस्यीय टीम इन तीनों जगहों पर रवाना किया है। ये केंद्र सरकार की एक्सपर्ट टीम है जो उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों के साथ डेंगू से निपटने में सहायता करेगी। अच्छा, इसके साथ ही जल्द शुरू होगा वेरिफिकेशन, अपात्र लाभार्थियों के राशन कार्ड होंगे रद्द। जानिए क्या है इसका कारण। पिछले दिनों संसद में सरकार ने जानकारी में बताया कि देश में 2017 से 2021 तक डुप्लीकेट, अपात्र और जाली 2,41,00,000 राशन कार्ड रद्द किए गए हैं और एक बार फिर से वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राशन कार्ड के लिए सरकार ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों का वेरिफिकेशन 30 दिन के अंदर पूरा करने का आदेश दिया है। वेरिफिकेशन के दौरान अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों का राशन कार्ड रद्द किया जाएगा, साथ ही उनकी जगहों पर पात्र लाभार्थियों का कार्ड बनाकर उन्हें राशन योजना का लाभ दिया जाएगा। पात्रों के जारी होंगे राशन कार्ड, यानी जो पात्र है उनका राशन कार्ड बनेगा, जो अपात्र है उनका राशन कार्ड रद्द होगा। दरअसल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के फूड एंड सप्लाई कमिश्नर मार्कंडे साही ने सभी जिलाधिकारियों और जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिया है। इस संबंध में अपर खाद्य आयुक्त अनिल कुमार दुबे का कहना है कि लाभार्थियों की तरफ से दी गई व्यक्तिगत जानकारी समय समय पर बदलती रहती है। इस संबंध में कई राशन कार्ड धारकों में अपात्र यूनिट शामिल होने की शिकायतें समय समय पर मिलती हैं। यही कारण है अपात्र कार्ड धारकों का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत अभियान चलाया जाएगा। अपात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों की जगहों पर पात्रों को राशन कार्ड जारी किया जाएगा। अच्छा, अगर आप भी बेरोजगार हैं तो जान लीजिए, क्योंकि बुलंदशहर में 18 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। 100 से ज्यादा कंपनियां होंगी शामिल। दरअसल बुलंदशहर में 18 अक्टूबर को रोजगार मेला लगाया जाएगा, जिसमें 100 से ज्यादा कंपनियां शामिल हो रही हैं। इस मेले की शुरुआत सुबह 10 बजे से हो जाएगी। ये मेला यहां की सदर तहसील में राज्य की कृषि प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में एनसीआर क्षेत्र की 100 से ज्यादा प्राइवेट कंपनियां रोजगार मेले में हिस्सा लेंगी। इस मेले में करीब 2,000 बेरोजगार लोगों को नौकरी दिए जाने का टारगेट रखा गया है। तो अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो तुरंत शामिल हो, जिससे आपको भी रोजगार मिल सके। अच्छा, वहीं पर सांड और नील गाय के हमले से मौत पर आश्रितों को मिलेंगे 4,00,000 रुपए। योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला है। दरअसल आपको बता दें, सांड और नील गाय के हमलों से होने वाली मौत पर मृतक के आश्रितों को सरकार की तरफ से आर्थिक राहत मिल सकेगी। राज्य सरकार ने सांड और नील गाय के हमले से होने वाली मृत्यु को राज्य आपदा घोषित कर दिया है। राजस्व विभाग की ओर से इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है। यूपी में सांड और नील गाय के हमले से सैकड़ों मौतें लगातार होती रहती हैं। राज्य आपदा में किसी व्यक्ति की मौत होने पर अब सरकार उसके आश्रितों को 4,00,000 रुपए की आर्थिक राहत देगी। अच्छा, वहीं पर ताजगंज में दुकानें हटाने के लिए 72 घंटे का समय बचा। मंत्री के आश्वासन से जागी है आस। दरअसल ताजमहल की 500 मीटर की परिधि में व्यापारी गतिविधियां हटाने की डेडलाइन के महज 72 घंटे ही शेष रह गए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी से व्यापार कर रहे स्थानीय लोगों की भविष्य को चिंता सता रही है। अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात कहकर कोई राहत देने में असमर्थता जताई है। हालांकि इस बीच पर्यटन मंत्री के समाधान तलाशने के आश्वासन से कुछ उम्मीदें जगी हैं। प्रशासन ने कारोबारियों को व्यापारिक गतिविधियां बंद करने के लिए 17 अक्टूबर तक का समय दिया है। इसके बाद जबरन दुकानें हटाने की चेतावनी दे दी गई है। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें, राशन की दुकान पर एलपीजी सिलेंडर मिलेगा रियायती दर पर। इन खास लोगों को मिलेगा सिलेंडर, यानी अगर आप गरीब हैं, आपका अंत्योदय राशन कार्ड है या पात्र गृहस्थी राशन कार्ड है, तो आपको सस्ते दर पर मिलेगा गैस सिलेंडर। इसके बारे में एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है। सस्ते गल्ले की दुकान यानी सरकारी राशन की दुकान पर अब आपको गैस सिलेंडर भी मिलेगा। गरीब राशन कार्ड धारकों के लिए शुरू की गई इस योजना में रियायती दर पर सिलेंडर मिलेगा। 5 किलो वाला गैस सिलेंडर भी उपलब्ध कराया जाएगा। दरअसल आपको बता दें, सस्ते गल्ले की दुकान यानी सरकार की राशन की दुकान पर अब आप गैस सिलेंडर भी ले पाएंगे। दिवाली से पहले ये योजना शुरू हो जाएगी। दीपावली के पहले सभी राशन की दुकानों पर गैस की बिक्री शुरू करने की योजना है। इसके लिए आपूर्ति विभाग व तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक भी हो चुकी है। राशन दुकानदार लगातार कमीशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में सरकार कमीशन बढ़ाने के बजाय राशन दुकानदारों की आय बढ़ाने के लिए एक विकल्प की व्यवस्था कर रही है। जानिए किस रेट पर आपको सिलेंडर मिलेगा। उज्ज्वला गैस धारकों को 5 किलो का सिलेंडर रियायती दर 339 रुपए में मिल जाएगा। या कीमत कम या ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सरकार की तरफ से यह अपडेट आया है कि 339 रुपए में 5 किलो वाला गैस सिलेंडर मिल जाएगा, जबकि अन्य लोगों को 526 रुपए की दर पर यह उपलब्ध होगा।
अच्छा, इसके साथ ही अब आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों के गेहूं चावल के साथ राशन की दुकान पर मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। जानिए इसका लाभ किसको मिलेगा। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के बीच लोगों को बड़ी राहत देने वाली खबर सामने आई है। इस खबर में सबसे ज्यादा फायदा गृहिणियों को होगा। दरअसल राशन की दुकानों पर गेहूं चावल के साथ अब आपको एलपीजी सिलेंडर भी मिलेगा। एलपीजी गैस सिलेंडर देने को लेकर पीलीभीत जिले में प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार अब राशन की दुकानों पर 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर बिक्री किए जाएंगे। इसके लिए पूर्ति विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यानी आप बता दें तो आपके जिले में कोटेदार से आप गैस सिलेंडर ले पाएंगे। इसके लिए मैंने आपको दाम भी बता दिया है। यानी आपके जिले में ये प्रक्रिया कब शुरू होगी इसका भी अपडेट जल्द ही आएगा। दरअसल 14 से 20 अक्टूबर तक राशन वितरण की बात कही गई थी, लेकिन उसको टाल दिया गया है, जिसमें अंत्योदय पात्र गृहस्थी को 5 किलो की यूनिट से चावल दिए जाने की बात थी, लेकिन अभी तक इसकी नई डेट सामने नहीं आई। जब ये सामने आएगा तो उसके बाद गैस सिलेंडर की बातें सामने आ जाएंगी। साथ ही केंद्र सरकार ने भी बड़ा ऐलान किया है, और आपको बता दें बड़ी खुशखबरी है, दिवाली से पहले सस्ता होगा गैस सिलेंडर। सरकार ने बनाया है ये प्लान। पिछले 2 सालों का डाटा देखें तो एलपीजी की कीमतों में बम्पर इजाफा देखने को मिला है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका फायदा आपको इसी दिवाली में मिलेगा। गैस सिलेंडर की कीमतों में अब लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने गैस सिलेंडर की कीमतों को कम करने के लिए एक नई योजना लाए हैं। इस बैठक में यह फैसला लिया गया कि सरकारी तेल कंपनियों को 22,000 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट दिया जाएगा। इससे इन कंपनियों के नुकसान की भरपाई होगी, साथ ही आम जनता को महंगी एलपीजी से राहत मिल सकेगी। वहीं पीएम किसान योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ गया है, क्योंकि 12वीं किस्त 17 अक्टूबर को आएगी खातों में। आपको बता दें बहुत सारे किसान धारकों को इस बात का इंतजार था, लेकिन अब उनका इंतजार समाप्त हो रहा है, क्योंकि इसी 17 अक्टूबर को 12वीं किस्त का 2,000 रुपए का पैसा उनके खाते में पहुंचेगा। लेकिन ये किस्त उन्हीं किसानों के खाते में आएगी जिन्होंने ईकेवाईसी करा ली है। इसके साथ ही जिनकी जमीन को 14 अक्टूबर तक तहसील से सत्यापन कार्य पूरा हो चुका है, अगर ये 2 कार्य आपका हो गया है तो आपको 12वीं किस्त मिलेगी, वरना आपके पैसे अटक जाएंगे। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश कृषि निदेशक रोहतस कुमार ने बताया कि 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पंजीकृत किसानों के खातों में 12वीं किस्त आने की पूरी संभावना है, लेकिन इस बार खातों में आने वाली 12वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिन्होंने ईकेवाईसी कराई है। तो मैंने आपको कंफर्मेशन भी बता दिया है, शुक्रवार को जब कृषि निदेशक रोहतस कुमार ने ये कंफर्मेशन दे दिया है, तो आने वाले 17 अक्टूबर को ये देखना होगा कि खाते में पैसा आता है या नहीं। वैसे आपका क्या मानना है कमेंट जरूर करें। अच्छा, वहीं पर गुलाबी मौसम शुरू हुआ है, रात का पारा गिरने से हवाएं कराने लगी हैं हल्की ठंड का एहसास। जी हाँ दोस्तों, आसमान में बादलों की आवाजाही कम होते ही दिन में तेज धूप खिलने लगी है, लेकिन रात में तापमान कम होने लगा है। ऐसे में अब हल्की ठंड का एहसास होने लगा है। आने वाले दिनों में दिन का तापमान और कम हो जाएगा। बीते शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, लेकिन अब ये तापमान और ज्यादा कम होगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में रात का तापमान और कम होने की संभावना जताई है। अच्छा, यूपी के इस जिले में निर्देश लागू हुआ है कि जींस टी शर्ट व टाइट कपड़े पहनकर बच्चों को पढ़ाने ना आए टीचर। स्कूल में पढ़ाने आ रहे टीचर जींस टी शर्ट या टाइट कपड़े पहनकर ना आए, ये निर्देश है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के DIOS का। जी आपको बता दें, उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 6 से लेकर 12 तक के किसी भी स्कूल कॉलेज में कोई भी अध्यापक अगर जींस टी शर्ट या फिर टाइट कपड़े पहनकर स्कूल में आता है तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल आपको बता दें, विद्यालयों में अनुशासन को लेकर मुजफ्फरनगर के जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र कुमार ने यह आदेश जारी किया है। उनका कहना है कि स्कूलों में अब शिक्षक शालीन कपड़े पहनकर आए, टीचर स्कूल में चटकीले टाइट या फिर जींस टी शर्ट पहनकर ना आए। अगर कोई शिक्षक इन आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी आधार कार्ड है वो भी 10 साल पुराना, तो इसमें क्या करना होगा जरा आप इसको समझ लें, क्योंकि सरकार ने जारी किया है आदेश। अगर आपका आधार कार्ड 10 साल पुराना हो गया है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। आधार कार्ड तो लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, आपको पता होगा। दरअसल ये एडवाइजरी उन यूजर के लिए है जिन्होंने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनाया था और 10 साल में एक भी बार अपडेट नहीं कराया है। आधार कार्ड अपडेट कराते समय यूजर को अपने एड्रेस और आईडी प्रूफ देखना होगा। इसके जरिए उनका एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। UIDAI ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा है आप समझिए। 10 साल में आधार नंबर व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है। आधार संख्या का इस्तेमाल विभिन्न सरकारी योजनाओं सेवाओं में किया जाता है। व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आधार डेटा को अपडेट करें ताकि पहचान प्रमाणन में किसी भी असुविधा से बचा जा सके। तो बहुत बार देखा गया है कि किसी का आधार वेरीफाई नहीं हो पाता। इसका कारण यह है कि आप अपना आधार अपडेट नहीं कराए तो आप जल्द से जल्द अगर 10 साल पुराना हो गया है तो अपडेट जरूर करा ले। वहीं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने किया बड़ा ऐलान, इस दिन से सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। जानिए सरकार का क्या प्लान है। केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बड़ी जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि देश में 20% एथनॉल मिश्रित पेट्रोल इस साल दिसंबर या जनवरी में उपलब्ध हो सकता है। यानी आने वाले समय में आपको पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने यह बड़ा ऐलान किया है। सो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।